नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं 29 जुलाई की प्रमुख खबर। पहली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर है, जो कि 16 अगस्त 2020 को प्रस्तावित है। परीक्षा को स्थगित करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 को लेकर है, जो कि 9 अगस्त 2020 को प्रस्तावित है। परीक्षा को स्थगित करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। इन दोनों भर्ती परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग क्यों की जा रही है, इसका क्या कारण है, आइए जान लेते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ और सबसे पहले मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 को लेकर, जो कि 9 अगस्त 2020 को प्रस्तावित है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस परीक्षा का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कराया जा रहा है। आपको यह भी मालूम होगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा 3 जिलों का विकल्प आपसे मांगा गया था। कहा गया था अगर आपके मूल जिले में आपका सेंटर नहीं बनाया जाता है तो बाकी बचे जिलों में आपका सेंटर बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभ्यर्थियों का सेंटर उनके मूल जिले से 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 425 किलोमीटर, 375 किलोमीटर, 380 किलोमीटर दूर बना दिया गया। लड़कों की बात अलग है, लड़के अगर अपने सेंटर तक पहुंच भी जाएं तो लड़कियां अपने सेंटर तक कैसे पहुंचेंगी, उन्हें भी उनके मूल जिले में सेंटर नहीं दिया गया। इसी को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है। सरकार को पैसा लेना है, जो आपने फीस दिया है उसे एकत्रित करना है। लखनऊ विश्वविद्यालय को इससे कोई लेना देना नहीं है, और सरकार का निर्देश होगा तभी लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा होगा। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि कोरोना की इस महामारी में कोरोना की स्थिति दयनीय है, दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं, तो 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर का सफर अभ्यर्थी कैसे तय करेंगे। और जिस दिन परीक्षा का आयोजन होना है उस दिन लॉकडाउन है, क्योंकि सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसी को लेकर खंड शिक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 के जितने भी अभ्यर्थी हैं परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, लड़कियों के साथ उनके गार्जियन भी रहेंगे, 400 किलोमीटर का सफ़र, 250 किलोमीटर का सफ़र करना होगा। एक बस में कम से कम 20 से 25 लोग बैठेंगे, किसी कोरोना है किसी नहीं है क्या पता। आपने सेंटर पर व्यवस्था की है ना, रास्ते में व्यवस्था नहीं की है, तो सरकार या तो 400 500 किलोमीटर का जो भी किराया होता है वह वाहन करे। एक बस में 8 लोगों से ज्यादा बैठने की व्यवस्था ना की जाए। सरकार के द्वारा यह व्यवस्था कर दी जाती है तो अभ्यर्थियों को किसी बात की चिंता नहीं है। 9 अगस्त 2020 को लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा का आयोजन करे। अगर सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है तो परीक्षा को स्थगित किया जाए। किसी भी अभ्यर्थी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना सरकार का अधिकार नहीं है, ना ही लखनऊ विश्वविद्यालय का अधिकार है। आपने कहा था कि आपका सेंटर आपके जिले में बनेगा, अगर आपका सेंटर आपके जिले में किसी कारणवश नहीं बन पाता है तो तीनों जिलों में से किसी एक जिले में आपका सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों को यह उम्मीद नहीं थी कि उनका सेंटर चांद के पार बना दिया जाएगा, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर बना दिया जाएगा। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति को ट्वीट किया है। कोरोना की इस महामारी में 9 अगस्त 2020 को परीक्षा का आयोजन करना सुरक्षित नहीं है। अगर मास्क और सैनिटाइजर से कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है तो आखिरकार अमिताभ बच्चन को, उनके परिवार वालों को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कैसे कोरोना संक्रमण हो गया, इसका जवाब सरकार दे। क्या उनकी व्यवस्था नहीं थी, वे मास्क लगाकर नहीं चलते थे, सैनिटाइजर का यूज नहीं करते थे। अगर इसका सरकार जवाब दे दे तो परीक्षा का आयोजन 9 अगस्त 2020 को कराए। जितने भी खंड शिक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 के अभ्यर्थी हैं वे भी परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इस स्थिति में परीक्षा का आयोजन हो पाना संभव नहीं है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इस पर क्या निर्णय लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास
अभ्यर्थी मेल के माध्यम से पत्र भेज रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर निर्णय कितना जल्द होता है। आप लोग 5 अगस्त 2020 तक का इंतजार करें, उससे पहले आपको कोई ना कोई खबर देखने को मिलेगी। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 को स्थगित करने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 5 दिन के अंदर परीक्षा स्थगित नहीं की जाती है तो महाआंदोलन होगा। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।